नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। आइए रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। उज्जैन में गुब्बारों में गैस भरने के दौरान ब्लास्ट, 3 बच्चों समेत 5 घायल। दिल्ली में कोविड नियम तोड़ने पर साल के पहले दिन लगा 99,34,000 रुपए का जुर्माना। डाडम हादसे पर बीजेपी सांसद ने खड़े किए सवाल, कहा गुंडागर्दी करते हैं खनन माफिया। सीएम नीतीश कुमार से 5 गुना ज्यादा अमीर उनका बेटा निशांत के पास कुल 3,61,00,000 रुपए की संपत्ति। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बढ़ी ठिठुरन, 6 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, अगले हफ्ते बारिश के भी आसार। यूरोप में कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा मामले आए सामने। हरिद्वार धर्म संसद मामले की जांच के लिए हुआ एसआईटी का गठन। नैनीताल में जवाहर नवोदय विद्यालय में एक साथ 85 छात्र छात्राएं हुए कोरोना संक्रमित। मेरठ पहुंचे पीएम मोदी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। भारत में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 27,553 नए मामले, 284 मरीजों की हुई मौत। देश दुनिया और अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।